नया साल यानी 2022 से देश में कुछ बदलाव होने वाले हैं। इन बदलावों से आम लोगों से लेकर कारोबारी तक प्रभावित होंगे। 1 जनवरी 2022 से कई चीज़ों पर टैक्स GST बढ़ रहा है। इसमें कपड़े जूते चप्पल खरीदने से लेकर ऑनलाइन कैब बुक करना भी आपको महंगा पड़ने वाला है। कपड़े और फुटवेयर खरीदना कितना महंगा होगा। 1 जनवरी से कपड़े और फुटवेयर पर 12% GST लगेगा। भारत सरकार ने कपड़ा रेडीमेड और फुटवेयर पर 7% GST बढ़ा दिए। जनवरी से रेडीमेड गारमेंट पर GST की दर 5% से बढ़ाकर 12% हो जाएगी और इससे रेडीमेड गारमेंट की कीमतें बढ़ेगी। ऑटो रिक्शा या कैब बुक करना पड़ेगा महंगा। इसके अलावा ऑनलाइन तरीके से ऑटो रिक्शा या कैब बुकिंग पर 5% GST लगेगा। यानी ओला उबर जैसे ऐप बेस्ड कैब सर्विस प्रोवाइडर्स प्लेटफॉर्म से ऑटो रिक्शा बुक करना अब महंगा हो जाएगा। हालांकि ऑनलाइन तरीके से ऑटो रिक्शा के लिए किराया कोई बदलाव नहीं होगा। ऑनलाइन फूडिंग भी पड़ेगी महंगी। नए साल से फूड डिलीवरी ऐप जैसे जोमेटो स्विगी पर भी 5% GST लगेगा। हालांकि यूजर्स पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है क्योंकि यह पहले ही क्लियर किया जा चुका है कि सरकार का यह टैक्स ग्राहकों से नहीं बल्कि ऐप कंपनियों से वसूलेगी। कर चोरी करने के लिए उठाए गए कदम। कर चोरी रोकने के लिए नए साल में कुछ कदम उठाए जाएंगे। इनमें GST रिफंड पाने के लिए आधार वेरिफिकेशन कराना अनिवार्य है। जिन व्यवसायों ने कर अदा नहीं किए हैं उन्हें GST R1 फाइलिंग सुविधा पर रोक लगाना दी। इसी तरह की लेटेस्ट खबर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।